कैन गायनेकोमेजिया बी ट्रीटेड नॉन सर्जिकली? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, जयपुर। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या गायनेकोमेजिया नॉन सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। देखिए, जब पेशेंट को खुद को प्रॉब्लम लगता है कि गायनेकोमेजिया है उनको, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपके जो क्वालिफाइड जो सर्जन है, जब आपको एग्जामिन करके वो आपको गाइड करेंगे कि आपको एग्जैक्टली गायनेकोमेजिया की प्रॉब्लम है या नहीं। तो जब आपको पूरी क्लैरिटी आ जाती है डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद, आपके सर्जन से कंसल्टेशन के बाद कि हाँ आपको गायनेकोमेजिया है, तो एक सबसे बड़ा जो कंसर्न या थॉट जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि अब नेक्स्ट इसका क्या स्टेप रहेगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या दवाइयों से ये ठीक होगा या नहीं होगा, सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें गायनेकोमेजिया की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गायनेकोमेजिया प्यूबर्टल या फिजियोलॉजिकल होता है। मतलब ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं, उस दौरान अगर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन में कुछ इम्बैलेंस हो, कुछ लेवल अपसाइड डाउन हो, कुछ उनका जो रेशियो है वो चेंज हो, तो मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का साइज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गायनेकोमेजिया हो जाता है। एंड ये ही मोस्ट कॉमनली रीजन रहता है गायनेकोमेजिया होने का। सो गायनेकोमेजिया मोस्ट ऑफ द टाइम डिजीज प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। सो जब डिजीज प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है गायनेकोमेजिया, तो वो एक तरह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम या एस्थेटिक प्रॉब्लम ही रहती है, जो कि पेशेंट की साइकी को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। तो जब गायनेकोमेजिया जिस कंडीशन में एक डिजीज प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो किसी भी तरह की मेडिसिन दवाइयों से गायनेकोमेजिया ठीक या कम नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस में जब गायनेकोमेजिया एक एसोसिएटेड डिजीज का पार्ट होता है, एक डिजीज जिसके अंदर की बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर हार्मोन का लेवल कम ज़्यादा हो रहा हो, और उस सिचुएशन में अगर गायनेकोमेजिया होता है, तो डेफिनेटली अगर उस डिजीज़ के लिए, प्राइमरी डिजीज़ के लिए अगर मेडिसिन दी जाती हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो गायनेकोमेजिया पे भी ज़रूर आता है, और प्राइमरी डिजीज़ के क्योर के साथ साथ गायनेकोमेजिया के साइज़ में भी रिडक्शन होता है। लेकिन अगर गायनेकोमेजिया फिजियोलॉजिकल सिचुएशन के बाद हुआ है और डिजीज़ से एसोसिएट नहीं है, तो किसी भी तरह की दवाई से गायनेकोमेजिया में किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता है। एक और स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि कंप्लेंट करते हैं कि ऑफ एंड ऑन उनके जो एनलार्ज ब्रेस्ट है उसके अंदर पेन होता है। उन पेशेंट्स के अंदर अगर पेन प्राइमरी कंसर्न है, तो डेफिनेटली कुछ मेडिसिंस होती हैं जो कि उस पेन को कम करने में हेल्प करती हैं, और उनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है पेन को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। लेकिन उन पेशेंट्स में भी चेस्ट के, ब्रेस्ट के साइज या शेप पे दवाइयों से कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। हाँ, पेन में डेफिनेटली उन्हें दवाइयों से रिलीफ मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गायनेकोमेजिया का ट्रीटमेंट सर्जिकली होता है, और वो जो सर्जरी है वो टोटली इलेक्टिव सर्जरी है, ऑप्शनल सर्जरी है, एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसका एम होता है आपको एक फ्लैट चेस्ट देना विद मिनिमम स्कारिंग। इस वीडियो से रिलेटेड या गायनेकोमेजिया से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो, तो नीचे लिखे हमारे नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज हमें भेज सकते हैं, और हम जल्द से जल्द उन्हें रिस्पॉन्ड करने का पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।